विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स हुई सिंगापुर में बैन। लोगों ने बताया कि ये है एक तरफा कहानी जिसके चलते कर दिया है फिल्म को बैन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आज हम आपको बताने वाले हैं एक बड़ी खबर जो रिलेटेड है कश्मीर फाइल से। जी हाँ दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा धमाल मचाया था, इस फिल्म ने ना सिर्फ बम्पर कमाई की थी बल्कि इसे दर्शकों ने भी बेहद पसंद किया था और एक बार फिर ये फिल्म विवादों में आ गई है। दरअसल इस फिल्म में पंडितों के नरसंहार के बारे में बात की गई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये कहानी एक तरफा कहानी है। हालांकि इस फिल्म पर काफी विवाद पहले भी हुआ है, लेकिन एक बार फिर ये फिल्म विवादों में आ खड़ी है क्योंकि सिंगापुर में इस फिल्म को कर दिया गया है बैन। वहां के लोगों का कहना है कि ये फिल्म सिटी स्टेट्स की गाइडलाइंस के दायरे से बाहर है। इसमें मुसलमानों का एक तरफा पक्ष दिखाया गया है जो उन्हें उकसाने वाला है, और अगर ये फिल्म वे अपने देश में दिखाते हैं तो वहाँ बवाल मच सकता है, जिसकी वजह से इस फिल्म को सिंगापुर में बैन कर दिया गया है। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कम्युनिटी और यूथ गृह मंत्रालय के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि कश्मीर फाइल सिंगापुर की फिल्म क्लासिफिकेशन गाइडलाइन से एकदम परे है, इस वजह से हम इस फिल्म को अपने देश में रिलीज नहीं कर सकते। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म में जिस तरह की चीजें और अन्य गतिविधियों को दिखाया गया है उसकी वजह से अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा हो सकती है और इस वजह से वह फिल्म बैन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फिल्म बैन करने का एक रीजन ये भी है कि हम सभी के बीच एकता बनाए रखना चाहते हैं, हम लड़ाई को इग्नोर करना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह वही फिल्म है जिसे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी काफी ज्यादा सराहा था। 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकार थे। इस फिल्म के काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक होने की वजह से इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को जेड सिक्योरिटी भी दी गई थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इस फिल्म के लिए काफी अच्छी बातें कही थी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।